पीयूष गोयल सर, वेलकम टू द वर्सली शो एंड सच में इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर। गुड इवनिंग, सेम टू यू। एंड सो सेगमेंट का जो हमारा नाम है ये हीरो से भरा हिंदुस्तान, कमी है तो जोरी होगी। ये नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि हिंदुस्तान में इतने तरह के लोग हैं जिनके पास पता नहीं कितने तरह के टैलेंट, वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, बट उतना रिकॉग्निशन नहीं है, लोग उनके बारे में जानते नहीं है। एंड आज मैं एंड मेरा पूरा चैनल द वर्सली शो बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस करता है कि हम एक मीडियम बन सकते हैं कि आपकी जर्नी, आप क्या काम करते हैं उसके बारे में लोगों को बता सकें, लोगों तक पहुंचा सकें आपकी स्टोरी। सो सर, जब हम आप रिसर्च कर रहे थे, मुझे हमें आपके बारे में पता है, मुझे पर्सनली आपके बारे में बहुत चीज़ पता है, बट मेरे से ज़्यादा सही इंसान आपको ढूंढे बताने के लिए कि आप क्या करते हैं। सो पहले जो व्यूअर्स आपके बारे में नहीं जानते हैं, आप उनको बताइए कि एक्चुअली मैं आप करते क्या। मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। बाय प्रोफेशनल है मैकेनिकल इंजीनियर, बट बाय पैशन मैं दर्पण छवि का लेखक हूँ सबसे पहले। उसके अलावा मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ, कविता लिखने का शौक रखता हूँ, न्यूज़पेपर के लिए कार्टूनिस्ट हूँ, और कलेक्शन करने का मुझे बचपन से ही शौक है, जिसमें मेरे पास बहुत सारा ऑटोग्राफ का कलेक्शन है, कॉइंस कलेक्शन है, स्टैम्प्स कलेक्शन है, पेन कलेक्शन है, और सबसे जो बेहतरीन कलेक्शन है मेरा ऑटोग्राफ का है। और इसके अलावा मेरे मैथमेटिक्स में भी बड़ी रुचि रखता हूँ, तो मेरे 3 पेपर इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं। और मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने 16 किताबें अपने हाथ से लिखी हैं, और दुनिया की पहली किताब मैंने सुई से लिखी है। और ये बड़ा ये एक्चुअली में कहते हैं ना कि ऊपर वाले का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा, और ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घटी कि जिन्होंने मुझे सबक दिया, मैं सीखता गया और काम करता गया, लोग बाग पहचान मिलती गई और बहुत सारे अच्छे काम हो गए। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे काम हो जाएंगे, लेकिन आपके अंदर अगर सच्चे हैं, अच्छे हैं और काम करने की लगन है तो अच्छे काम अपने आप हो जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं भी इस बात पे पूरा विश्वास करता हूँ। सो सबसे पहले आपने बोला आप दर्पण छवि के लेखक हैं, जो दर्पण छवि के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूँ, दर्पण छवि यानी मिरर इमेज, मिरर लाइफ। यस, बिल्कुल। सो अगर आप किसी बुक को मिरर के सामने रखते हैं तो वो आपको रिफ्लेक्शन की वजह से उल्टी दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर सर की लिखी हुई आप मिरर के सामने रखोगे तो आपको सीधी दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हाथ से मिरर राइटिंग में लिखते हैं। हाँ, जैसे आपने एम्बुलेंस को जानते हैं ना, एम्बुलेंस लिखा है ना, आप शीशे में देखें वो सीधे दिखाई देगी, जब आप पीछे से देखेंगे। मैं आपको किताब दिखा देता हूँ, मैं किताब लेके बैठा हुआ हूँ, ये भागवत गीता है, और ये 18,700 श्लोक हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी गई है। ये आप देखेंगे तो ये मिरर इमेज में लिखी गई है, ये देखिए आप मिरर इमेज में है, और इसको जब आप ऐसे देखेंगे ना, इस तरह से देखेंगे तो ये आपको सीधी दिखाई देगी। ये मेरी पहली किताब है जो मैंने दर्पण छवि में लिखी, भागवत गीता है, 18,700 श्लोक हैं। इस लाइव सेशन के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि जीवन में एक बार भागवत गीता अवश्य पढ़े, क्योंकि मेरी लाइफ चेंज हुई है, मेरी लाइफ में बदलाव आया है। लोगों ने कहते ना, भागवत गीता, भगवान कृष्ण जिसने अधर्म के खिलाफ धर्म की विजय के लिए अर्जुन के रथ के सारथी बने थे, और मैं मानता हूं कि वो दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिन्होंने 18 दिन तक 700 श्लोक के माध्यम से अर्जुन को अधर्म के खिलाफ धर्म की विजय के लिए अपने संस्कृत में प्रवचन वचन दिए, और उनसे वो प्रेरित होकर के युद्ध में कामयाब हुए। तो एक बार अवश्य पढ़े। मैं आपको बताता चलूं कि मेरे से पूछा लोगों ने कि पीयूष जी, आपने भागवत गीता को उल्टा लिख दिया है, इसको पढ़ेगा कौन। मैं आपको बताता चलूं कि आपने वाल्मीकि का नाम सुना है, जिन्होंने रामायण लिखी है जी। उनका जीवन परिचय भी आपने पढ़ा होगा, जंगल में वो क्या कर रहे थे, और उनको संत मिले थे, और संत ने कहा कि तुम्हारी जो है ना नियत, जो आपने काम किए हैं, भगवान राम का शब्द आपके मुंह से नहीं निकल सकता, इसलिए मरा मरा बोला, और मरा मरा बोल के राम राम निकला। तो मेरा पूरी दुनिया को संदेश है कि अगर यार सीधी नहीं पढ़ पाए तो उल्टी पढ़ लो, एक बार पढ़ तो लो।
मेरे जीवन में अगर नकारात्मकता है सकारात्मकता आ गई है पढ़ने से, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज पढ़नी ज्यादा बढ़िया है जिससे आपकी लाइफ में चेंज आ जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मैं पूरी दुनिया को संदेश दे जाता हूँ, मैं एक्चुअली में जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी नए लोगों से मिलता हूँ, एग्जीबिशन लगाता हूँ जहाँ पे भी, तो मैं भागवत गीता प्रेजेंट करता हूँ। ये मेरी ऊपर वाले का आदेश है और मैं ये काम करता हूँ। मेरे दिमाग में जहन में ये रहा कि यार बात तो किसी ने सही पूछी है कि उसको पढ़ेगा कौन, एक हाथ में शीशा और एक हाथ में पुस्तक। तो आप यकीन करेंगे, मैंने फिर प्रयास किया, अथक प्रयास किया, फिर मैंने सुई से किताब लिखी है। अपने सुई से पेपर में छेद करके, पेपर छेद करके किताब लिखी है, उसे पूरी है। और ये दुनिया की पहली किताब है जो सुई से लिखी गई है जी सर। और लोग वो पूछते गए, मैं काम करता गया, जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना है ना कभी, वो अपने बल्ले से जवाब दिया उन्होंने, तो मैं भी ऐसे ही पूछते गए, मैं जवाब देता गया। फिर मैंने एक किताब लिखी मेहंदी कौन से, किताब पूरी मेहंदी से मेहंदी, ये गीतांजलि है, और गीतांजलि आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी गीतांजलि, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था उनको, पहले भारतीय है, पहले एशियन है और पहले साहित्यकार भी है। उसके बाद मैंने जब ये किताबें लिख दी तो फिर लोग पूछते गए, मैं काम करता गया। कभी आपने सोचा था कि कोई आदमी कार्बन पेपर से किताब लिख सकता है? नहीं, कार्बन पेपर से किताब लिखी हुई है, और कार्बन पेपर से लिखने का मतलब यही था कि एक पेज पे सीधा और एक पेज पे उल्टा, एक देखिए एक ही पेज है, देखिए इसमें सीधा भी दिखाई दे रहा है, विजिबल है, और इसमें शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मतलब कहने का है कि आपकी अगर सोच, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप एक नई चीज का सृजन कर दोगे और वो अस्तित्व में आ जाएगी और लोगों को दिखाने के काम आएगी। लोग देखते हैं, सेल्फी लेते हैं, पूछते हैं, और यहाँ तक कि कई बार तो अगर किसी को पता लग जाता है और देखता है ना, तो ऑटोग्राफ बिना मांगे तो रहता ही नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग ऑटोग्राफ भी देंगे। बहुत लोगों के ऑटोग्राफ मैंने लिए हैं, मेरे पास अमिताभ बच्चन जी का ऑटोग्राफ है, मेरे पास सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ है, मेरे पास लता मंगेशकर का ऑटोग्राफ है, अब्दुल कलाम साहब का ऑटोग्राफ है, तो अच्छा लगता है। ऑटोग्राफ लेने का तो बहाना है बेसिकली उनके साथ खड़ा होकर के बात करना, क्योंकि कहते हैं ना अगर उसके ओरा के अंदर आ जाओ तो कुछ चीज सीखने को मिल जाती है, तो सीखने को मिल जाती है। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी सोच ये है कि आप सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते और सचिन तेंदुलकर पीयूष गोयल नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं उनसे प्रेरित होकर एक नई चीज आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मेरी भी लाइफ का एक ऐसा मोटो है जो मैं सबको बोलता हूँ जिस जो भी मुझे जानता है, कि हर इंसान से सीखने के लिए कुछ ना कुछ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपके मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। आगे बढ़ते हैं सर, जैसे कि आपने बोला मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, आपने 26 साल कंपनियों में काम किया है अपने, फिर आप अपने पैशन के लिए आपने वो जॉब छोड़ के आप ये करना आपने स्टार्ट किया, या आप काम के साथ ही करते थे बट अभी आप ये भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आई। बहुत सारी मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। एक्चुअली में क्या है, मैंने कहा ना किसी चीज से आप प्रेरित होते हैं, घंटे 24 ही हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे आप ड्यूटी करना है, आप मैकेनिकल इंजीनियर रेस्पॉन्सिबल जॉब है आपके पास, 8 घंटे नहीं है आपके पास, 10 घंटे आप लगाना है, 24 में से 10 घंटे चले गए, बचे 14 आवर्स, 14 आवर्स में आपको 10 घंटे आपको सोना भी है, तैयार भी होना है, दोस्तों में बैठना, बच्चों के बीच में बैठा, तो 20 घंटे बचे, 4 घंटे उन 4 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो 4 घंटे कैसे डिपेंड है, वो एक्चुअली में क्या है कि बचपन में एक मैंने कहानी पढ़ी थी जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। कौवे ने कंकड़ डाल के पानी ऊपर कर लिया और पानी पी लिया था, वो है पक्षी और मैं हूँ एक इंसान। जब कौवा पानी पी सकता है तो यार मैं तो इंसान हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो वो उसने हमेशा जब भी मेरे को लिखते समय कभी अच्छा नहीं है कि बड़ा आसान नहीं है लिखना, 16 किताबें 2003 से लेकर 2015 तक, डेडिकेशन चाहिए आपको, आपको समय चाहिए, आपको ये सोचना है कि ये सोच के मैंने लिखी कि मुझे क्या मिलेगा, मैंने ये सोच के नहीं लिखी कि मुझे क्या मिलेगा, मैंने ये सोच के लिखी कि एक नई चीज आ रही है
और सोसाइटी में किसी से इसका कुछ ना कुछ, मैंने कभी सोचा था कि सुई से दुनिया की पहली किताब हो जाएगी। आप जाके देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दुनिया की पहली किताब है जो सुई से लिखी गई है, और सन 2012 में लिखी थी। आज तक किसी ने क्लेम भी नहीं किया है, सब अप्रिशिएट करके लिखना। मैंने कौन सी किताब लिखना, कार्बन पेपर से किताब लिखना। अब जहां भी मैं एग्जीबिशन लगाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि सर कैसे कर दिया, तो किताब के बारे में पूछते हैं, किताब की सेल्फी लेते हैं, साथ में खड़े होकर अपने फोटो खिंचवाते हैं, मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, ऑटोग्राफ साइन करवाते हैं। ये आपकी लाइफ अगर चेंज होगी, लाइफ में कुछ बदलाव आ गया, तो एक्चुअली में क्या पीयूष गोयल बहुत सारे हैं, आपका नाम आपके काम से आपका नाम जाना जाता है। वो काम आपने कर दिया है, लोगों को पता लग गया है, आपको मेरा काम अच्छा लगा, आपने लाइव कहा कि मैं मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि मैं इस तारीख को करूंगा, तो मैंने कहा कि इस माध्यम से लोगों को पता लगना चाहिए कि भाई दुनिया में भारत के एक आदमी ने सुई से किताब लिखी है, और ये पता लगना चाहिए, और ये आप ही को पता नहीं लगना चाहिए, ये हिंदुस्तान सरकार को भी पता लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि ये किताबें मेरी नहीं है, ये किताबें पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक की हैं, और ये इस लाइव सेशन के माध्यम से मैं ये जो किताबें हैं हिंदुस्तान सरकार को समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम नाउ 54 ईयर्स ओल्ड, कोई आदमी नहीं रहेगा, इनका मेरे जाने के बाद क्या होगा, तो मैं इनको सुरक्षित भारत सरकार को सौंपना चाहता हूँ। आपका क्वेश्चन कि समय कैसे निकालते हैं, मैथिलीशरण गुप्त की एक कविता है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। कौवे ने पानी डाल के पानी ऊपर कर लिया था कंकड़ डाल करके। फिर एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है, आई हैव माइस टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये तीनों चीज जो है ना, इन्होंने मुझे जब भी मुझे कभी भी मुझे अड़चन आई है तो इन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया। और जिंदगी में जब एक बार भगवद गीता पढ़ लेते हैं ना तो आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है, ठीक है ना। तो बस यही कारण रहा कि एनी हाउ मुझे 4 घंटे में से 2 घंटे इस काम के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं सच्चा हूं, अच्छा हूं, मेरे काम के प्रति लगन है, अगर एक अक्षर भी मैं डेली लिखूंगा तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक ना एक दिन वो किताब पूरी होकर रहेगी, ये मेरा विश्वास था। क्योंकि मैं जानता हूं कि एक पत्थर की मूर्ति के सामने जाकर के हम ये बोल देते हैं कि ये भगवान मुझे कष्ट हो रहा, मेरा कष्ट दूर कर देना, इसके अंदर प्राण भी नहीं है, और विश्वास करके वापस आ जाते हैं और काम आपका बन जाता है। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना। माता पिता होते हैं ना साथ में, माता पिता को आप कुछ नहीं, अगर वो बैठे हुए हैं तो इतना ही बहुत कुछ है आपके पास, अपने मन की बात आप उनको शेयर कर दें, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि आपके अगर जिंदगी में सच्चे दोस्त है ना, दोस्त सच्चे एक दो आपके होने चाहिए, जिससे आप अपने मन का भार अपनी जुबान के माध्यम से हल्का कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एंड छोटी सी टाइम लिमिट पे आपने इतनी सारी बातें कर दी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं किस बात को अप्रिशिएट करूं, किस बात को कम अप्रिशिएट करूं। बट शुरुआत से शुरू करते हैं, आपने सबसे पहले बताया कि आपने ये सारी जितनी भी किताबें लिखी हैं, आपको वो कौवे वाली स्टोरी से इंस्पिरेशन मिली, वो आई हैव मेनी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप से इंस्पिरेशन मिली, एंड उसके बाद भी आपने यहाँ तक बोल दिया ये सारी किताबें हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की, आप अपनी किताबें समर्पित करने को तैयार हो। एंड सेकेंड चीज जो आपने बोला पीयूष गोयल तो बहुत है सर, पीयूष गोयल बहुत है, लेकिन मेरे भी इमेज डांस से एक ही है, और वो आप कोई गूगल पे जाके मेरे भी इमेज डांस सर्च करेगा तो सबसे ऊपर आपका नाम आएगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आंसर यही सक्सेस है, तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, लोग धीरे धीरे जानेंगे। चीजें फैलने में समय नहीं लगती, लेकिन खराब चीजें फैलने में समय नहीं लगती, अच्छी चीजें फैलने में समय लगती। यस एग्जैक्टली, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, ये बात है। अगर मैं बताऊँ की जहाँ मैं रहता हूँ, मैं ये कहूँ की मैंने एक किताब लिखी है तो हो सकता है उसको 1 किलोमीटर जाने में 10 दिन लग जाए। अगर मैं किसी को कुछ भी अपशब्द बोल देता हूँ, एक सम्मानित आदमी हूँ, और मैं किसी को मैं घायल कर देता हूँ या एक्सीडेंट कर देता हूँ, कुछ घायल करके उसको चोट पहुंचा जाता है, वो उसकी स्थिति आईसीयू में बढ़ती है, तो मैं समझता हूँ कि वो 1 किलोमीटर के 10 किलोमीटर तक 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी कि पीयूष गोयल ने एक आदमी को ऐसा से कर दिया है।
या उस किसी आदमी ने पीयूष गोयल के मार दिया है, तो ये बड़ी विडंबना है। ये एक समाज के अंदर आप अगर कहीं मान लिया स्कूल में हैं या कहीं भी हैं, अगर हाई स्कूल में आप हो, अगर एक बच्चा आपसे ज्यादा अगर बढ़िया कर रहा है तो उसको उससे एक तो सीखने की कोशिश करो, और हमेशा अगर वो अच्छा लग रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, ये बहुत जरूरी है। अप्रिशिएट जब करेंगे ना तो मजा आएगा, आपको भी अप्रिशिएट जब करोगे, जब उसको 10 दिन अप्रिशिएट करोगे तो उसके मन में भी आएगा, यार इस बंदे ने अप्रिशिएट किया, अरे आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है यार, आज तूने बहुत कमाल कर दिया, तेरे यार आज तो सर ने तेरे को बड़ा अच्छा तूने आंसर दिया, बहुत अच्छा। तो ये चीजें अप्रिशिएट करने से क्या होगा, आपके अंदर एक तो आप दिल के साफ हैं, और आप दिल के साफ हैं तो आप उसकी तरह से बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये भी निश्चित ही है। तो ये चीजें हो जाती हैं, है ये होता है बिल्कुल सर। एंड उसके बाद आपने बात की अपनी बुक समर्पित करने के बाद कि आपको इंस्पिरेशन मिली, आपने ये करा, लेकिन मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, दो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल 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 पूछिए आप पूछिए। हाँ, दिमाग सबसे पहले जो मुझे पूछना है वो ये है कि ये आपने शुरुआत क्यों किया, मुझे पता है इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, बट कैसे किया, आपको लिखना आपने सीखा कहीं थे, इसकी पढ़ाई की, ये आपने खुद ही बनाना शुरू किया कि अगर मिरर में चीज ऐसी दिखती है तो मैं इसको ऐसे उतार सकता हूँ। बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने किया है, इसका जवाब ये है, मैंने कहा ना कि जिंदगी में दोस्त अच्छे होने चाहिए। मैं जब मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद, एक कंपनी आपने सुना होगा यामा मोटर्स, मैं मैंने सात साल काम किया, और जब हम शुरू शुरू में जब जॉब किया तो होता ना मेहनती होते हैं आदमी, जब नई जॉब लगती है जोश होता है, तो मैनेजमेंट कहते हैं कि इनसे ना इनका यूटिलाइज करो, तो मेरे को नाइट ड्यूटी में, उन्होंने नाइट ड्यूटी में रहा मैं, प्रोडक्शन में था। अब होता क्या है कि जब नाइट ड्यूटी में होते हैं तो सब लोग जो है ना काम जल्दी फिनिश करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास 8 घंटे में से 4 घंटे स्पेयर हो जाते हैं, लेकिन आप जिम्मेदार आदमी हो, आप सो नहीं सकते। कंपनी कहती है कि हमने खाने पीने के लिए चाय दे रखी है, सब कुछ कर रखी है, आप अपना काम खत्म हो तो मेज पे बैठ के आप बैठ के बात करें, प्रोडक्शन की बात करें या कुछ और चीज़ें। तो हम जो 4-5 दोस्त थे, तो उसमें से एक दोस्त कहा था, पीयूष तू कुछ कर सकता है यार, तेरे अंदर कुछ है। मैंने सुना, टाल दिया। फिर 15 दिन बाद फिर वो मिला, फिर वो एक नया दूसरा आदमी आया, उसने कहा यार पीयूष तेरे अंदर कुछ है, तू कुछ कर सकता है। अब ये चीजें जो है ना, 3-4 बार यही चीज 3-4 दोस्त अगर कहें तो आप सोचोगे कि यार कुछ तो है भाई, कर लो कुछ ना कुछ, अगर वो बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक ही बात है यार, समय भी है, कॉपी भी है, पेंसिल भी है, और बैठे बैठे एक काम करो कि उल्टा लिखना शुरू कर दो। अचानक ही दिमाग में आया, पहले मैंने इंग्लिश को लिखना शुरू करा और कैपिटल लेटर्स लिखना शुरू करे, लेकिन मैंने देखा कैपिटल जो लेटर्स थे उसको लिखना बड़ा आसान था। मैंने कहा यार नहीं, स्मॉल लिखो, स्मॉल लेटर्स मैंने 15 दिन के अंदर, फिर मैंने उनको पहले सिंगल सिंगल ए बी सी, फिर उनको मैंने जोड़ जोड़ के लिखना शुरू करा, टेबल चेयर बनाना एलिफेंट, आसान नहीं है उसको लिखना शुरू करा। फिर मुझे 2-3 महीने लगे, मुझे जो है कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने कहा यार ये सीख गए हो तो हिंदी लिखना शुरू कर दो, फिर मैंने हिंदी को लिखना शुरू करा। हिंदी आपको बता दूं बहुत कड़ी है, तो फिर मैंने उसको लिखना, उसमें भी समय लगा। अब मैं ये चलता रहा सिलसिला, मैं अंदर ही अंदर सीखता रहा बैठा हुआ, मैंने उसको बताया नहीं। फिर मैंने उसके बाद हुआ ये कि एक दिन मैंने कहा लगा कि यार मैं परफेक्ट हो गया, इंग्लिश का अखबार होता ही है कंपनी में है, मैंने कहा यार तो ऐसा कर बैठ और मुझे डिक्टेट कर। वो अखबार लिया, उसने डिक्टेट किया, मैं लिखता गया, तो अक्सर सही बने लेकिन स्पेलिंग गलत, आप समझ गए मेरी बात को। तो बात लिखने की है, स्पेलिंग गलत होने की नहीं थी, कि आपने जो अक्सर बनाए हैं वो सही बने नहीं बने। तो बस कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस आने के बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया, जो भी लोग पूछते थे, मैं बैठे बैठे यही करता रहता था कि जिसका नाम मान लिया किसी का रजत है, रजत लिख लिया, अजय है, पीयूष है, और बहुत सारे नाम, बड़े बड़े नाम लिखने शुरू कर दिए, मिनिस्टर्स हैं जितने भी हैं सबका बैठ के हिंदी इंग्लिश लिखता था। फिर 2000 में एक्सीडेंट हो गया,
और सीरियस एक्सीडेंट, और मैं 9 महीने खाट पर रहा, डिप्रेशन हो गया 2003 में, जॉब चला गया, नौकरी चली गई। एक मित्र ने कहा कि पीयूष गोयल बड़ा परेशान है, मैंने कहा बिल्कुल परेशान हूँ। उसने भागवत गीता दी पढ़ने के लिए, वो भागवत गीता पढ़नी हुई और लाइफ में चेंज आ गया। जैसे ही 18 अध्याय पूरे करे, एक वेवलेंथ कहते हैं ना ऊपर वाले का आशीर्वाद, वो आशीर्वाद मिला, मुझे प्रेरणा मिली कि भाई तुम उल्टा लिखना जानते हो, भागवत गीता उल्टी लिखनी शुरू कर दो। मैंने 18 अध्याय 700 श्लोक हिंदी और इंग्लिश में पूरे कर लिए, और मैं कहा ना कि मैं जॉबलेस हो गया, मेरा डिप्रेशन भी खत्म हो गया। जिस दिन मैंने पूरी करी, मेरी सर्विस भी लगी और सारे काम सही होते चले गए। कुरुक्षेत्र जाना हो गया, वहाँ पे भागवत गीता दिखानी होगी, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहाँ लोगों ने पूछ लिया, फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और मैं किताब लिखता रहा और कलेक्शन भी करता था। यानी कि सारी लिंक ऊपर वाले ने ऐसे जोड़ते चला गया, कलेक्शन भी करता, किताब भी लिखी, क्रिकेट एम्पायरिंग भी की। तो मुझे जो है ना एक समाज से मुझे एक बहुत अच्छा वो मिल गया कि यार ये आदमी कुछ नया कर रहा है, तो हर जगह अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गया, लोग आप बुलाने लगे, चीफ गेस्ट बनने लगा, जहाँ जाकर बात करने लगा, लोग आपको अच्छी बात लगने लगी, स्कूल से निमंत्रण आने शुरू हो गए। तो ये एक तरह से कलेक्शन करना, किताब लिखना, लोगों के साथ वार्तालाप करना, ये सब एक चीज़ एक जगह इकट्ठी होकर के ना एक ऐसा चीज़ बन गई कि हाँ कुछ है जो समाज को दिया जा सकता है। तो यही चलता रहा सिलसिला और अभी चल रहा है। अमेजिंग सर, मतलब लाइफ पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। कहाँ आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, कहाँ अनफॉर्चुनेटली आपका एक्सीडेंट हुआ, फिर आपने ये स्टार्ट किया एंड अल्टीमेटली आप उसी में इतने ज्यादा सक्सेसफुल। बिल्कुल बिल्कुल, अब लोग आपको इस काम से जानते हैं, इस नाम से जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। एंड लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, इसका हम लोग सिर्फ सेंस लगा सकते हैं। नो डाउट कि आप भगवत गीता को इतना अप्रिशिएट क्यों करते हैं, क्योंकि भगवत गीता ही वो किताब है जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी बदली। बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल। एंड सर, हमारे चैनल का एक मोटिव है कि हम लोग यूथ को इंस्पायर करते हैं, ज्यादातर जो मेरे एज के यूथ हैं, उनसे कुछ बड़े हैं, उनसे कुछ छोटे हैं। एंड आपकी जो स्टोरी है वो हमारे यूथ को बहुत इंस्पायर करे, क्योंकि आपकी स्टोरी में मेहनत है, स्ट्रगल है एंड पूरा टाइम है और डेडिकेशन जो आपने दिखाया है एक सर्टेन एज लिमिट, क्योंकि आजकल लोग 30-40 के बाद काम ही नहीं करना चाहते हैं। लोगों में वो कैपेसिटी नहीं रहती कि मैं काम करूँ, इतना मेहनत करूँ, नहीं। लेकिन इस समय आप 54 ईयर ओल्ड हैं, मैं आपको बता दूँ अपने फादर से भी ज़्यादा एज के, लेकिन स्टिल मेरे फादर नहीं करते इतना काम। वो अपना बिजनेस संभालते हैं लेकिन उतने क्रिएटिव नहीं। आप अपने फैमिली के साथ अपना क्रिएटिविटी लाइफ ही कर रहे हैं। सो इस एज में इतना काम करना सर, हम लोग तो बस इमेजिन कर सकते हैं। एंड अगर हमारी यूथ को इससे इंस्पिरेशन नहीं मिलती तो मुझे नहीं पता उनको किससे इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं बिल्कुल इंस्पिरेशन के लिए एक्चुअली में मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में दो चीज होती हैं देने के लिए, ज्ञान और पैसा। मध्यम वर्ग के परिवार से हूँ, पैसा नहीं है, पैसा मैं दे नहीं सकता हूँ, और जो मेरे पास ज्ञान है उसको मैं देने से चूकता नहीं हूँ, क्योंकि जो ज्ञान है उस ज्ञान से किसी का भला हो जाए, किसी की जिंदगी में बदलाव आ जाए, तो मैं समझाऊं कि मेरा जीना, मेरा जीवन सार्थक है। मैं उस ज्ञान को लेकर के शमशान घाट चला जाऊं, कोई फायदा नहीं है, नथिंग, यूजलेस, आपकी सोच बेकार है। कुछ लोग पैसे के लिए ज्ञान बांटते हैं, मैं ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं सारा काम ये जो है ना आपको बताऊं, मैं कलेक्शन अपने जो कलेक्शन है जो जाता हूँ, मोटिवेशन जाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ और पैसा बिल्कुल ले जा नहीं हूँ। 2-2.5 हजार रुपये में अपने अपना ड्राइवर है, अपनी गाड़ी है, अपने पैसे से जाता हूँ। वहाँ सिर्फ 2-4 घंटे रहता हूँ, एग्जीबिशन लगाता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, और जो बच्चों का जो प्यार है ना वही मेरा धन है, ये मैं बता दूंगा आपको। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि काम कोई रुकता नहीं है। और मैं यूथ के लिए बस यही बोलना चाहूंगा, आप सच्चे हैं, अच्छे हैं और ईमानदार हैं, काम करने की अगर लगन है, दुनिया की कोई ताकत आपको आपके काम से विमुख नहीं कर सकती। मेरी 16 किताबें मैंने लिखी हैं, 16 किताबें लिखने के बाद मेरी 5 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, 6ठी मेरी किताब आने वाली है गुजराती भाषा में, वो ट्रांसलेट हो रही है। अभी मैंने जो किताब लिखी है सोचना तो पड़ेगा ही,
उसके अंदर मैंने कुछ थॉट्स लिखे हैं, 110 थॉट्स हैं, उसमें से यूथ के लिए कुछ थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिंदगी में तीन चीज काम करती है, नीति, नियम और नियत। आपकी काम करने की अगर नियत है, सफलता आपके दरवाजे पर है। अगर आप काम करने की नियत नहीं है तो सफलता आपसे कोसों दूर है। नीति नियम बना लिए और नियत है नहीं, नीति नियम बना लिए कि मैं ये काम कल को करूंगा और नियत है नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो कौवे से सीखना होगा, अगर आपको सफल होना है आपको ऑटोबायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, अगर आपको सफल होना है आपको बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, अगर आपको सफल होना है बड़ों का सम्मान करना होगा, अगर आपको सफल होना है गुरु का सम्मान करना होगा। जिंदगी में हर मोड़ पर सीखना होगा, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपको सिखाती भी आई है। और लास्ट में एक लाइन है मेरी जो लोगों को पसंद आती है, मैं एक दिया हूं, मेरा काम है चमकना, हो सकता है मेरी रोशनी कम हो लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूंगा। क्या बात है सर, मतलब ये सब जो लाइनें हैं ये बहुत डीप मीनिंग है, लोग इनको मजाक में अगर नहीं लें तो सीरियसली सोचें कि इंसान कहना क्या चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी लाइफ बदल सकती है। बिल्कुल, से एक लाइन जो हमने पढ़ी थी, एक्चुअली मैंने पढ़ी थी कहीं, कि एक बच्चा था, काम करता था, माँ बाप बहुत गरीब थे, स्कूल वगैरह नहीं जाता था, काम करता था। तो उससे एक बार किसी ने पूछ लिया कि यार तुम काम करते हो, स्कूल नहीं जाते हो वगैरह वगैरह। तो उस बच्चे ने बहुत अच्छा सा जवाब दिया कि रोज सुबह आराम छोड़ के निकलता हूँ जिंदगी का आराम कमाने। रोज सुबह उठ के 4 बजे जाता था मजदूरी करने ताकि वो रात में आराम से सो सके। तो ये उसका कहना था कि आराम छोड़ के निकलता हूँ आराम कमाने के लिए। बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला, कामयाब। देखो आपको सोच, मैं एक्चुअली में क्या, मैंने एक किताब लिखी थी इजी स्पेलिंग, जिसमें मैंने बच्चों को तरीके बताए थे कि स्पेलिंग को याद करने का आसान तरीके क्या है। और ये मैंने ये भी मैं प्रेरित हुआ उस किताब को लिखने के लिए, एक बच्चे ने ही मुझे प्रेरित किया, क्योंकि जिंदगी, मैंने कहा ना जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। और देखो संघर्ष जिंदगी में है, सुख और दुख जिंदगी में दो ही चीज है। और मैंने लास्ट में मैंने एक लिखा है, दोस्त सुख और दुख को देखो, अक्सर जो शब्द है ना, शब्द दुख और सुख को देखो, उसमें एक अक्षर है खे, जो सुख में भी साथ है और दुख में भी साथ है, और हमेशा वैसा का वैसा रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, फिर हम क्यों नहीं। सुख और दुख में एक अक्षर है खा, जो भी है दुख में भी है, लेकिन उसमें उसकी बनावट में सुख में भी वो इतना ज्यादा प्रफुल्लित नहीं होता कि वो बाहर निकल जाए, और दुख में इतना सुगढ़ता नहीं है कि वो बड़ा बेचैन हो जाए। दोनों में आपने देखा होगा खे जो है ना वो बिल्कुल सेम रहता है, फिर हम क्यों नहीं यार। और खे को अगर खोलोगे तो क्या बनेगा, रव। समझ गए होगा आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये चीजें हैं जिंदगी में। तो मैंने इजी स्पेलिंग सीखी थी, तो इजी स्पेलिंग लिखने का मतलब ये था कि एक बच्चे ने मेरे से पूछ लिया कि अंकल मेरे को कारपेंटर की स्पेलिंग याद नहीं हो रही और कल को मैडम मारेगी। मैंने बेटा मैं अगर कारपेंटर की स्पेलिंग याद करा दूं तो क्या देगा। तो 5वीं क्लास में था बच्चा, कहना अंकल लॉलीपॉप खिलाऊंगा आपको। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैंने तेरे को कारपेंटर की स्पेलिंग याद करा देता हूँ, लॉलीपॉप भी हम खिलाएंगे। मैंने कहा कार की याद है, कहने अंकल याद है। मैंने पेन की याद है, अंकल याद है, कारपेंटर याद हो गया। तो यही है। फिर मैंने 2003 में मैंने कहा ना जॉबलेस हो गया, तो मैंने 7 महीने डिक्शनरी को स्टडी किया, मैंने ऐसे सब निकाले उसके अंदर, आप यकीन करेंगे 22 ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंदर 5 वो मिला है, और 34 ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंदर एक भी वो विल नहीं है। तो आपके अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर जानने की क्षमता होनी चाहिए, पहचानने की क्षमता होनी चाहिए कि इसके अंदर से कुछ चीज निकल सकती है। मैं डिक्शनरी देखता नहीं, बच्चा कारपेंटर पूछता नहीं, मेरे पास समय होता नहीं, तो वो शब्द 22 शब्द आते नहीं, वो 34 शब्द आते नहीं। इतनी मोटी डिक्शनरी होती है,
सात महीने मैंने स्टडी किया एक एक पेज को देखा, मैंने बहुत सारे स्टडी किया उसमें। अब जैसे हार्ट है HEART आपने कुछ नहीं करना, एच आगे से हटा के पीछे लगा दो, अर्थ हो गया, अर्थ हो जाएगा। ये चीज ऐसी है जो बचपन में अगर किसी को बता दो तो जिंदगी भर भूलेगा नहीं, उसको याद हो जाएगी। अब जैसे LIVE, जैसे हम लाइव कर रहे हैं, पीछे से पढ़ोगे तो ईविल हो गया, टाइम है पीछे से पढ़ोगे तो एमिट हो गया, टाइड है पीछे से पढ़ोगे तो एडिट हो गया। सोचना हमने, करना अपने, जो चीज आपको हार्ड लग रही है उसको आसान बना दो, यही तरीके है। सोचना आपने, करना पढ़ना, क्योंकि मम्मी पापा आपको खाना बना के दे सकते हैं, पापा आपको पढ़ाई के पैसे दे सकते हैं, मेहनत आप नहीं करनी है। अब क्यूरियोसिटी लेवल कितना ज्यादा आपका होगा ये मैं बस इमेजिन कर सकता हूँ कि टाइम को उल्टा पढ़ोगे एडिट हो जाएगा। ये मुझे ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, हम लोग को पता है लेकिन कभी सोचा नहीं हमने। हाँ, आपने जब बताया था मेरा दिमाग है कि हाँ टाइम को उल्टा करने से एडिट बनता है, हार्ट में एच हटा के पीछे लगा तो अर्थ बन जाएगा। सारी छोटी छोटी चीजें हैं, सारी छोटी लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिससे आपके दिमाग में वो बनी रहेगी बात आपके। अब जिंदगी में हर बिल्कुल भूलोगे नहीं, आप बिल्कुल भूलोगे नहीं, दो स्पेलिंग आपको याद होगी जिंदगी भर, और ये चीज इसके माध्यम से आप किसी बच्चे को दे दोगे। मैं एक किताब जो मैंने सात महीने बनाई है, जो 30-40-45 पेज की किताब है, वो किताब 100 रुपए की है। मैं अगर जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, अगर मैं 500 रुपए के हिसाब से 2 घंटे का लाइव सेशन करता हूँ, और 5th से लेकर 8th तक के बच्चों को, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पर डे का 10,000 का आदमी हूँ, क्योंकि एक जो हाई सोसाइटी में रह रहा है वो चाहता है कि मेरा बच्चा होशियार बने, और 500 की जगह 1,000 रुपये खर्च कर देगा, ये चीज़ें उनको पता लग जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको दे दी, सिर्फ ये ज्ञान, जो ज्ञान है ना वो बाहर ना चला जाए, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये चटाने से हार्ट से अर्थ बन सकता है, लाइव का एविल बन सकता है, टाइम का एडिट बन सकता है, और टाइड का एडिट बन सकता है, तो पता होना चाहिए। एंड आगे से जैसे आपने बोला कि देने के लिए से दो जीवन में से दो चीजें हैं, ज्ञान और पैसा, तो ज्ञान की बात करते हैं। जो आपकी एक कला है, जो आपका एक पूरा ज्ञान है, क्या अपने आगे वाली पीढ़ी को सिखाएंगे, इनको बोलेंगे इसको फॉलो करने के लिए, कि जैसा आपने बोला कि मैं समर्पित कर दूंगा उसके। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% क्या 1000%। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, सीख लो भैया, मेरे पास 3 अलमारी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी भरी पड़ी है, 2500-3000 किताबें हैं, सिर्फ किस लिए, मैं भी पढ़ूं बच्चे भी पढ़ें। मुझे पता है कि किताबें ही सच्ची मित्र हैं, अगर आप एकांत में हैं तो किताबें ही काम आने वाली हैं, ठीक है ना। तो मैंने धरोहर रख रखी है, मैंने धरोहर अपने पास रख रखी है, पढ़ो। आते हैं बच्चे मेरे रिलेशन में, बच्चे आते हैं कि ताऊजी पूपा जी किताब रखी हुई आपके पास, ये पढ़ के पढ़ो वापस दे जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि किताबों से ही काम चलने वाला है, किताबों से ही कुछ मिलने वाला है। तो ये धरोहर है, इस लाइव सेशन के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस किसी को, किसी भी हिंदुस्तानी को, बच्चे को, किसी को सीखना है, मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं उसको लाइव सेशन दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ, और फिर ये कोर्स दे सकता हूँ। आसपास के क्षेत्र में कोई सीखना चाहता है उसको मैं सिखा सकता हूँ, भाई सिखाने के लिए तो है ही, सीख लो यार, कुछ कर लो यार, काम फायदे में तो रहोगे ना, नुकसान थोड़ा ना, मैं तो तैयार हूँ, आना चाहिए। एक तो है जबरदस्ती, एक है अपने मन से, अंदर से। तो जो अपने मन से सीखना चाहेगा वो सीख जाएगा, जिसको जबरदस्ती आप कहोगे सीख लो सीख लो सीख लो, वो जिंदगी में कभी नहीं सीखेगा। तो भाई मैं तो कहूंगा, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, आप आइए, बिल्कुल तैयार हूँ। एंड मैं तो रियली विश करता हूँ कि सर बहुत लोग आपसे सीखें ये चीज, एंड आगे सर की ये चीज इतनी बड़ी हो जाए कि बड़ी बड़ी अकेडमी से भी ये सिखाया जाए। आई रियली विश कि बहुत ज्यादा फेमस हो, एंड अगर इसके फेमस होने में हम लोग कुछ कर सकते हैं देन क्या बात। आप इसमें इसके इसके जैसे मान लिया आप एडिट करेंगे देंगे, ये लोग सुनेंगे और इसको इसकी चर्चा होगी, तो आज ही एक एक्चुअली में क्या एक रिव्यू किया है मेरे से किताब ने, तो मैं उनसे बात कर रहा था, कोई धनबाद में है, कहा कि सर आपका लाइव सेशन होना है,
मैंने कहा तैयार, पता तो लगना चाहिए कि भाई दुनिया में क्या हो रहा। तो वो बड़े खुशी से, वो परसों या तरसों लाइव सेशन करने वाले हैं, जूम पे करने वाले हैं, तो भाई हमारे पास देने के लिए ज्ञान ही है, और ले लो ज्ञान हमारे से तो बढ़िया जाएगा। So, हम लोग सेगमेंट के लास्ट में पहुंच रहे थे। जैसे हमने सेगमेंट का नाम रखा था कि हीरो का हिंदुस्तान और कमी है तो झोरियो की, इसका नाम हमने सिर्फ इसलिए रखा था कि टैलेंट बहुत है लोगों के पास लेकिन सक्सेस नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है। तो अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि आप ये करते हैं, ये कला है और ये बहुत डिफिकल्ट कला है, कोई आसान नहीं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने आपकी राइटिंग देखी है, ऐसा नहीं है कि अगर आप उल्टा लिख रहे हैं तो आपकी राइटिंग खराब हो रही है, आपकी राइटिंग मेरे से भी अच्छी है हिंदी की। क्या बात है, क्या एंड सर, तो हम लोग सिर्फ अमेजिंग बोल सकते हैं, लेकिन आप जो करते हैं, तो एक आर्टिस्ट को, एज एन आर्टिस्ट, आपको कैसा लगता है कि टैलेंट है बट उतना ज्यादा हिंदुस्तान में रिकॉग्निशन नहीं है? बिल्कुल सही बात है आपकी, रिकॉग्नाइजेशन। आपको बता दूं, अभी दुनिया की पहली किताब सुनी से लिखी गई है, मैंने बताया, आपने चेक भी किया होगा गूगल पे। धीरे धीरे लोग बाग इसको, क्योंकि मैं एग्जीबिशन लगा रहा हूँ, मान लिया कि स्कूल में मैं एग्जीबिशन लगाता हूँ, वहाँ पे कम से कम बच्चे हैं 200-250, 200-250 बच्चों देखते हैं, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी, वो बच्चे एक ऐसा नहीं है कि 200-250 बच्चों में से कुछ तो ऐसे एजिटेट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बड़े जेंटिल होते हैं, बड़े सर आपने ये किताब क्यों लिख दी, इसका पीछे ध्येय क्या है, इसका मोटिव क्या है, इसको आप रखेंगे क्या करेंगे, या हमको सीखना चाहेंगे तो सिखा देंगे, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो बिल्कुल निश्चित है कि लोगों को कम पता है इसके बारे में। धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं, जुड़ रही हैं, लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वक्त दूर नहीं है। दूसरा मैं रियली विश कि और लोग आपको जाने, बहुत सारे सब लोग आपको जाने, क्योंकि आजकल जो चीज़ें सब लोग कर सकते हैं वो चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होती हैं, लेकिन जो चीज़ें कुछ लोग ही कर सकते हैं उसको समय लगता है। अभी मैं एक जगह बताऊं आपको, मैं एक एग्जीबिशन लगाने गया था बुलंदशहर में, तो कुछ लोग वहां पे थे, तो उनके ये था कि सर इतनी सारी चीज़ें एक जगह देखने को नहीं मिली हैं जिंदगी में, और अगर आज मेरे को हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब कहें कि आपका टाइम हो गया पूरा, आप अपनी क्लास में जाएं, तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने सर क्यों, क्योंकि सर आपकी शक्ल देखने और आपका काम देखने के लिए मन यहाँ से जाने को कर नहीं रहा है। अरे मैंने कहा भाई अच्छा, कहने लगे सर मैं जाऊँगा नहीं बिल्कुल, जब तक आप यहीं रहेंगे मैं ये सोचता रहूँगा कि ये काम हो कैसे गया। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं, ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, अरे सर क्या, एक दो बच्चे ऐसे मिले मेरे को, लेकिन बाद में जब उन्हें पता लगा कि जब इतना एप्रिसिएशन हो रहा, तो वो बेचारे आए, पैर पकड़ा, सर गलती होगी माफ कर दो, ऐसे भी होता है। आपने जो 16 किताबें आपने लिखी हैं आज तक सर, उन 16 किताबों का आप चुनते हैं कि आपका जो मन करता है वो किताबें लिखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर चीज है जो आप सोचते हैं? नहीं, देखो देखो, हाँ, बिल्कुल, बहुत ही आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, आज तक किसी ने किया नहीं क्वेश्चन। सबसे पहली भागवत गीता जिसने मेरी लाइफ चेंज की है, उसके बाद मैंने कहा ना मेरे पास लाइब्रेरी है, मेरे पे 3 अलमारी रखी हुई है लाइब्रेरी की, तो मधुशाला मैंने पढ़ी थी, मुझे मधुशाला ने बड़ा प्रेरित किया, तो मैंने जो सुई से किताब लिखी वो मधुशाला है, हरिवंश राय बच्चन जी, क्योंकि बड़े आदमी को किताब लिखोगे तो बड़ा काम, बड़ी अप्रिसिएशन मिलेगी। फिर मैंने जो मैनी कौन सी किताब लिखी वो गीतांजलि है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। फिर मैंने जो कार्बन पेपर से किताब लिखी है वो पंचतंत्र लिखी है विष्णुदत्त शर्मा जी की। तो मैं किताबें चूज करता हूँ वो जो वर्ल्ड फेम है। फिर मैंने दुर्गा कवच लिखी संस्कृत में, सुंदरकांड मैंने लिखा, फिर रामचरित मानस लिखी मैंने, सोटा दोए और वो चुपाई। उसके बाद फिर मैंने साईं बाबा का चरित्र लिखा है, दोनों हिंदी और इंग्लिश में। जहाँ पे मैं गया एक्चुअली, मैं सोनीपत में गया, मैं एटल साइकिल में, तो वहाँ पे एक जो ट्रस्टी थी वो कहने लगी जी आप उल्टा लिखना जानते हैं तो हमारी किताब लिख दीजिए। उन्होंने साईं बाबा का चरित्र दे दिया 351 पेज का, 1 साल लगा पूरा लिखने के लिए। अब जब मेरी जैसे साईं बाबा का चरित्र पूरा हो गया, तो एक सज्जन मिले, उसने कहा सर हिंदी में लिख दी, मेरी इंग्लिश में लिख दो आप। अब वो तो मैंने जैसे उनको समर्पित करी ना वो किताबें वहाँ पे, तो उसी दिन शाम को, हो सकता है बाबा ये करवाना चाह रहे थे, साईं बाबा करवाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि यार सर मेरी किताब इंग्लिश में है, इसको भी लिख दो आप।
मैं मना नहीं कर पाया। मैंने फिर 351 पेज का बोल लिया, फिर मैंने लिखी। अब आप देखिए विडंबना देखिए कि उनका भी ट्रांसफर हो गया, मेरा भी ट्रांसफर हो गया ना, वो किताब मेरे पास ही रखी हुई है, वो मैं उनको दे भी नहीं पाया। मेरी उनसे बातचीत हुई तो वो अम्बाला में है फिलहाल, तो मैं कभी समय मिलेगा तो मैं वो किताबें उनको दे दूंगा, वो ले लेंगे उनको। तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, छोटी छोटी किताबें लिखी हैं, ऐसा नहीं है। एंड आपने हर मेजर लैंग्वेज में किताब लिखी है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, लेकिन किताबें लिखने के अलावा आप एक और चीज करते हैं जो आपकी फेमस है, आपने 600 पिक्चर्स बनाई थी, एक कैरिकेचर बनाया था आपने। बिल्कुल 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 बनाया था, बिल्कुल बिल्कुल। सो उसका क्या मतलब है, वो आप क्यों करना है, इससे क्या मीडियम है, उससे क्या कन्वे करना चाहते हैं? मेरे दिमाग में हमेशा क्यूरियोसिटी रही है समथिंग न्यू। 600 कैरिकेचर, और यकीन करिए आपको यकीन नहीं होगा, लोग यकीन नहीं करते, मेरे पास पेन कलेक्शन है बहुत बढ़िया, 3000 पेन का कलेक्शन मेरे पास है। मैंने एक बहुत बढ़िया पेन अपने कलेक्शन में से निकाला, मैंने कहा यार इसको चेक कर लो कि चल रहा है नहीं चल रहा, बहुत बढ़िया क्राफ्टेड है पेन वो, और 600 के 600 जो बनाए हैं मैंने उसी पेन से बनाए हैं, और एक ही पेन से बने हैं और दूसरा पेन यूज ही नहीं करा। गजब की बात ये होगी, कैरिकेचर बना दिए। उसके बाद मैंने सोचा कि यार बड़ी लूडो बनाई जाए, मैंने फिर 22 स्क्वायर फुट की लूडो भी बनाई है। 22 स्क्वायर फुट की बच्चे खेले भी हैं उस पर, मेरे पास ही रखी हुई है, और अति शीघ्र 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 म्यूजियम को जाने वाली है। सर ये म्यूजियम में जाने वाली ये सारी चीजें ही पता चलती है कि धीरे धीरे आपको वो चीज मिल रही है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड हम लोग तो बस अज्यूम कर सकते हैं कि आपने कितना टाइम कितना मेहनत दिया इन चीजों के पीछे। बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया, सब कुछ हो रहा है, उसका रिटर्न भी मिल रहा है। रिटर्न मिल रहा है, मिल रहा पक्का मिल रहा है कि आपने ये किया, सब कुछ किया, आपने बोला दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, आपने कहा दोस्तों का सपोर्ट था, लेकिन जब आप अपनी फैमिली को आपने बताया कि मैं ये करता हूँ, उनका क्या रिस्पॉन्स है? एक्चुअली में क्या है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैं आई एम द लकीस्ट पर्सन, मुझे परिवार बहुत अच्छा मिला, माता पिता अच्छे मिले, मैं उनके साथ ही रह रहा हूँ, ये बड़ा सौभाग्यशाली बात है। मेरी वाइफ बड़ी कोऑपरेटिव है, मेरे दो बेटे एक बिटिया है, उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया है। मेरा बड़ा बेटा बहुत प्रोत्साहित करता है, बिटिया भी मेरी प्रोत्साहित करती है, वाइफ भी प्रोत्साहित करती है, और अगर वो प्रोत्साहित नहीं करते तो शायद ना पॉसिबल ही होते। तो मेरे परिवार में दो भाई हैं एक बहन है, उनका भी सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, तो पूरे परिवार का पूरा सहयोग है, और कभी भी डिग नहीं होने दिया, हमेशा अप्रिशिएट किया है, और आगे भी ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैंने कहा ना आई एम द लकीस्ट पर्सन, मुझे मित्र अच्छे मिले, मुझे गुरु अच्छे मिले, मेरा परिवार अच्छा मिला, तो ये सब चीज़ें जब भी संभव है, जब सब चीज़ आपके साथ, आप अगर अच्छे हैं और अच्छे, मैंने एक चीज़ और बोली, आप अच्छा बोलोगे अच्छा सुनोगे, बुरा बोलोगे बुरा सुनोगे, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है, तो ये सब चीज़ संभव ऊपर वाला है ना, बस उससे ही संभव हो पाया। जो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे जो इंसान अच्छा होता है उसको हर चीज अच्छी लगती है, उसको हर इंसान अच्छा देखता है, वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं से ढूंढ ही ले जाता है किसी ना किसी। बिल्कुल, दुनिया उसमें 100 कमी गिनवा रही, मैं उसमें अच्छा गिनवा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। तो भाई देखो ऐसा ना, मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कमियां नहीं है, ऐसा नहीं है, हो सकता है 100 में से 50 अच्छे हों 50 बुरी हों, हो सकता है 60 अच्छी हों 40 बुरी हों, हो सकता है 99 अच्छी हों 1 बुरी हों, अच्छा बुरा जब होता है भाई किसी चीज के, मान लिया ठीक है कोई आदमी 80-20 का है, तो 20% 20 अगर चीज उसकी अच्छी है तो 20% वाली चीजें ग्रैंड कर लो ना आप उससे, तो ठीक है। 80 वाला हो, 80 वाला 80 चीज अच्छी है, 20 अच्छी नहीं है, तो 80 चीजों में से कुछ अच्छी चीजें ग्रहण कर लो, उससे बुरी चीजें निकाल लो। और ये भी निश्चित है कि आपको अच्छे लोग कम मिलेंगे, आपको सबसे बुरे लोग ज्यादा मिल जाएंगे, दारू पीने वाले, तम्बाकू पीने वाले खूब मिल जाएंगे आपको, दारू पीने वाले आप नए आओ शहर के अंदर, 10 दिन के अंदर 50 मित्र बन जाएंगे आपके, और कहो कि भाई मुझे लाइब्रेरी में जाना है किताब पढ़नी है, तो मेरे ख्याल से ढूंढने में आपको लग जाएंगे 10 दिन। तो ये चीजें
10 दिन में 50 लोग मिल जाएंगे और एक अच्छा इंसान ढूंढने में 10 दिन लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो सर मैंने बोला था कि ये सी वाला आखिरी क्वेश्चन होगा, बट अभी एक और क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने बोला कि जो आपका ज्ञान है आप अपने बच्चों को भी दोगे, अगर जस्ट इमेजिन कि आप अपने बच्चों को बोल के ये सीखो, वो नहीं सीखना चाहते, तो एज अ पेरेंट या फिर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप क्या करेंगे? देखो, मैंने आज तक जो है ना कभी कभी कंपेल नहीं किया बच्चों के जो मन में है, बच्चों के जो मन में है उनको वो कर, जो बच्चों के मन में है वो करने दो। बच्चा अगर कहता है मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है तो कंप्यूटर साइंस करने दो, मुझे कहना है बायोलॉजी में जाना है तो बायोलॉजी में जाने दो। तो ये चीज मैं उनसे कभी नहीं कहूंगा कि भाई तुम ऐसा है कि यार जबरदस्ती ही इसको करो। मैंने कहा ना पहले कि उस आदमी को अगर जिसको सीखने की लगन है वो बहुत जल्दी सीख जाएगा, और जिसको लगन नहीं है आप उसे जबरदस्ती करोगे तो नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा कि बहुत सारे अभी कॉलेजेस वगैरह खुल रहे हैं हमारे, तो बहुत सारे बच्चे हैं कि मुझे ये करना है, फिर पेरेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें कंपेयर ना करने वाली बात और जो बच्चा चाहता है वो करने वाली बात वो इम्पोर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग, जो पेरेंट्स होते हैं वो सपोर्ट तो करेंगे, चाहे तुम जो भी करना चाहो, वो पेरेंट्स हैं। बिल्कुल। आपकी पूरी लाइफ की जर्नी में कोई एक लेसन जो आपने सीखा और जो आप सबको बताना चाहेंगे? मेरी लाइफ में जो एक लेसन है जो मैंने सीखा है, मैंने ये सीखा है कि आप अपने जो बड़े हैं उसका सम्मान करना सीख लो, और छोटों को प्यार करना सीख लो, और बड़ों से और छोटों से जहां भी सीखने का मौका मिले सीख लो, और उस सीख को साझा करते चलो। हो सकता है कि वो आपके तो काम आएगा ही आएगा, उसको साझा करोगे तो दूसरों को काम आएगा, उससे आपको भी बेनिफिट मिलने वाला है। आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ होगी, और जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी से भी कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं। प्लीज कविता सुनो। हाँ, एक छोटी सी 6 लाइन की है, जीवन। मैंने जीवन को पेड़ से, बीज, पेड़ का जो बीज होता है ना उससे तुलना, उससे कंपेयर किया। जीवन शीर्षक है, बचपन अंकुरिसा, बचपन अंकुरिसा हरा भरा, बचपन अंकुरिसा हरा भरा, यौवन तनासा प्रफुल्लित। जीवन अंकुरिसा हरा भरा, यौवन तनासा प्रफुल्लित, बुढ़ापा झुका सा पतझड़। आगे तीनों चीज आ गई, अंकुरित भी हो गया, तना भी खड़ा हो गया, और पतझड़ में वो चला गया, बुढ़ापा झुका सा पतझड़, और लास्ट की 2 लाइन, और पत्ता तने से टूट गया, न जाने कितनी दूर गया। जीवन का सार है पूरी तरीके से, एक बार पत्ता टूट गया फिर वापस आने वाला नहीं है, ढूंढते रहना वो पत्ता कहाँ गया, ये जीवन का सार है, चला जाएगा एकदम। बिल्कुल सर, आपने लाइफ की रियलिटी एक पेड़ के बीज से, कैसे वो बीज पहले प्रफुल्लित रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, उसके पत्ते टूटते हैं, टूट के कहाँ गए किसी को नहीं पता। इसे हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि इस जीवन में जब तक पेड़ से जुड़े हो, जब तक जीवन से जुड़े हो, कुछ ना कुछ को करके जाओ। एक और है छोटी सी, तुम रहे ना, तुम रहो ना रहो, तुम्हारा नाम रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी शोर सुना रहा हूँ, ये मेरे एक्सीडेंट से पहले की है, इसका शीर्षक मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि शीर्षक बड़ा खतरनाक है। दबे दबे पांव से आना, दबे दबे पांव से आना, खटखटाकर यूं ही चले जाना। दबे दबे पांव से आना, खटखटाकर यूं ही चले जाना, पता नहीं क्यों आई थी और क्यों चली गई, पता नहीं क्यों आई थी और क्यों चली गई, अभी तो डर लगता है, अभी तो डर लगता है, पता है तू आएगी भी जरूर और गले से लगाएगी भी जरूर, आना अवश्य आना जब मैं उस पड़ाव में हूं। आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ।
मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। एंड सर आप अब नहीं बताएंगे लेकिन मुझे बताना पड़ेगा ताकि और लोग जो भाई तक सही समझ ये पोएम पूरी तरीके से जीवन के बाद मौत से रिलेटेड है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप बिल्कुल मृत्यु सही से पहुंचे। और रिलेटेड। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने भी ये सुनी है उसने टाइटल, आप मेरे ख्याल से सातवें आठवें इंसान हो जिसको मैंने सुनाई है, वो टाइटल सही बताया। तो इसका मतलब कविता के अंदर जान है, क्योंकि उसको बताने से सेंस एकदम क्लियर हो जाता है। पीयूष गोयल सर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर एंड थैंक यू सो नाइस ऑफ वी यू, आपने मुझे इस लायक समझा कि अरे सर थैंक यू वेरी मच, आगे मिलते रहेंगे। और दोस्तों, आई होप यू लाइक द एपिसोड, डू वॉच, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।